नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। एक वक्त पर देश ही नहीं एशिया की नंबर वन टेनिस स्टार रही सानिया मिर्जा के तलाक की खबरों ने सभी देशवासियों को झटका दे दिया है। साल 2010 में उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कप्तान शोएब मलिक के साथ धूमधाम से शादी रचाई थी, जो उस वक्त खूब चर्चाओं में रहा और स्टार कपल के तलाक की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। सानिया ने शोएब से अलग होने के लिए खुला प्रथा का रास्ता चुना है, वहीं शोएब मलिक ने तलाक होते ही तीसरी शादी भी रचा ली है। हालांकि शोएब की तीसरी शादी में उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा, बल्कि शोएब के परिवार के लोग आज भी उनकी तीसरी शादी के खिलाफ हैं और खुला का रास्ता चुनने के बावजूद अपनी बहू सानिया मिर्जा के साथ खड़े हैं। ऐसे में एक बार फिर से इस्लामी कानून में तलाक लेने के इस तरीके पर भी बहस हो रही है, क्योंकि हैदराबाद में इन दिनों महिलाओं की ओर से खुला चुनने के मामलों में काफी इजाफा देखने को मिला है। आप में से बहुत से दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये खुला है क्या, हम किस खुला प्रथा की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने फोन या व्हाट्सएप के जरिए पुरुषों की तरफ से महिलाओं को दिए जाने वाले तीन तलाक के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन महिलाओं की ओर से दिए जाने वाले खुला के बारे में कम ही जानते होंगे। तो सुनिए, खुला एक ऐसी प्रथा है जिसमें मुस्लिम महिला अपनी मर्जी से अपने पति से शादी तोड़ सकती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें फैसले का अधिकार मुस्लिम महिलाओं के पास होता है। बताया ये भी जाता है कि इसके लिए महिला को शादी के समय पति की ओर से दी गई मेहर की राशि और बाद में मिलने वाले आर्थिक मदद को वापस लेना पड़ता है। हालांकि इन दावों के कोई आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं है, लेकिन इन दिनों ऐसा माना जा रहा है कि शहरी मुस्लिम समुदाय में खुला का चलन अमीर और गरीब दोनों वर्गों में बढ़ रहा है। कुछ काजियों से बातचीत के आधार पर पता चला है कि हर महीने कम से कम 20 से 25 खुला के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ये आंकड़े पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। देश में खुला के बढ़ते मामलों के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इस्लाम के जानकारों की माने तो 2019 में तलाक के बिदत यानी एक बार में तीन बार तलाक कहकर शादी तोड़ने को गैर कानूनी बनाने के बाद से यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। बताया जाता है कि कुछ मुस्लिम पुरुष कानूनी प्रक्रिया को लंबा झंझट मानते हुए और इससे बचने के लिए अपना घर बार छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद मजबूरी में मुस्लिम महिलाओं को खुला का रास्ता अपनाना पड़ता है। मुस्लिम समाज की महिलाओं की मांग है कि खुला का फैसला उनका अपना होना चाहिए, जबकि इस्लाम के जानकारों की माने तो भारत में महिला को खुला लेने के लिए अपने पति की सहमति की जरूरत होती है। उनका दावा है कि किसी दूसरे देश में ऐसा नहीं है। अब इस बात पर बहस हो रही है कि क्या खुला का फैसला वास्तव में मुस्लिम महिलाओं का स्वतंत्र फैसला है या फिर इसमें सामाजिक और पारिवारिक दबाव का भी असर होता है। तो इस टॉपिक पर अच्छी खासी डिबेट हो सकती है, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी किसी भी सूरत में महिलाओं को स्वतंत्र देख नहीं सकते और यही वजह है कि भारत में खुला प्रथा का चलन कम है। इसमें कई साल और कुछ मामलों में तो दशकों भी लग जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि महिलाओं को खुला पाने के लिए कड़ा और लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जबकि तीन तलाक कानून बंद होने से पहले पुरुष समाज एक बार में तीन तलाक कहकर ही तमाम बंदिशों से आजाद हो जाते थे। और इसी मुद्दे पर जब कुछ मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की गई तो उनके मन की पीड़ा सामने आई। इनमें एक तबका पढ़ी लिखी अपने पैरों पर खड़ी महिलाओं का था, तो वहीं एक तबका उन महिलाओं का था जो किसी तरह से नए भारत का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाई, पढ़ लिख नहीं पाई और समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गई। एक पढ़ी लिखी वकील महिला जो खुद भी खुला का संघर्ष झेल चुकी है, जब उनसे हमने बातचीत की तो पता चला कि वकील होते हुए भी उन्हें इसके लिए करीब 6 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। वकील महिला के पति का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर था और जब महिला को पता चला तो उसने अलग होने का फैसला ले लिया। इसके लिए वो कई साल मौलवियों के चक्कर लगाती रही, लेकिन वो महिला को अपने पति से या तो सुलह करने का मशवरा देते थे या फिर तलाक की अनुमति लेने के लिए वापस भेज देते थे, और दोनों ही सूरतों में महिला का पति तैयार नहीं था। 5 साल के इंतजार के बाद पिछले साल महिला के पति ने जब दूसरी महिला के साथ रहने का मन बना लिया, तब कहीं जाकर उसने अपनी पत्नी को खुला की सहमति दे दी। इसका मतलब यहाँ भी अधिकार चाहे महिलाओं के पास हो, फिर भी अपनी आजादी के लिए उसे पुरुष का मुंह देखना पड़ता है। दिल्ली की ही रहने वाली एक घरेलू मुस्लिम महिला की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जो 25 साल से घरेलू हिंसा से परेशान थी, लिहाजा अलग होना चाहती थी, लेकिन उसका पति तैयार नहीं था।
सालों के लंबे इंतजार और पिटाई के निशान दिखाकर जैसे तैसे एक काजी को महिला पर तरस आया और उसने महिला के पति को समझा बुझा कर फोन पर उसकी सहमति ली, वो भी कुछ वापस ना लेने देने की शर्त पर, और इस तरह कहीं जाकर महिला को आजादी मिली। अपनी बातचीत में हमने ये पाया कि चाहे मामला पुरुषों की तरफ से दिए जाने वाले तीन तलाक का हो या फिर महिलाओं की तरफ से दिए जाने वाला खुला, दोनों ही मामलों में किसी तीसरे के होने के बाद ही हालात बिगड़ते हैं। ज्यादातर महिलाएं अपने पति की बेवफाई से परेशान होकर ही खुला का रास्ता चुनती हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं की आवाज उठाने वाले समाज सेवकों की माने तो किसी भी पीड़ित महिला का पति की सहमति का इंतजार करना महिलाओं के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। हालांकि मुस्लिम समाज के ठेकेदार इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई महिला खुला का रास्ता चुनती है और उनके पास आती है तो वो उसके पति से संपर्क करते हैं ताकि दोनों पक्षों के बीच सलाह मशवरा करवाने की कोशिश की जा सके ताकि कोई समाधान निकल पाए। लेकिन जब कोई समाधान निकलता नहीं देखते तभी हम खुला का रास्ता चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालांकि काजी ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि पति की अनुमति जरूरी नहीं होती, लेकिन उन्होंने माना कि लाइफस्टाइल में बदलाव और परिवारों के बढ़ते हस्तक्षेप की वजह से पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ रही हैं और यही आगे जलकर उनका रिश्ता टूटने की वजह बन रही है। काजी की माने तो मुस्लिम समाज में होने वाली शादियों में करीब 10% शादियां खत्म हो रही हैं। वहीं खुला लेने में महिलाओं को झेलने वाली परेशानी के सवाल पर काजी ने कहा कि 100 में से सिर्फ 5 महिलाओं को ही ये परेशानी उठानी पड़ती है। उनके मुताबिक कई बार कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए और दोबारा से शादी करने को लेकर कई बार पति पत्नी खुद खुला का रास्ता अपनाते हैं। तो चलते चलते आपको बता दें कि इस्लामी कानून में शादी तोड़ने का एक और भी तरीका है और वो है फस्के निकाह। जब पति अपनी पत्नी को तलाक या खुला देने के लिए हाजिर नहीं होता तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फस्क के मामले में महिला कोर्ट में जाकर निकाह खत्म करने की अर्जी दे सकती है और उसे बिना किसी परेशानी के मंजूरी दे दी जाती है। इस्लाम के जानकारों की माने तो ज्यादातर लोग फस्क का रास्ता नहीं चुनते। इसकी दो मुख्य वजह है, पहली ये कि इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है और दूसरी ये कि पुरुष या महिला कोई भी कानूनी रास्ता अपनाने से बचना चाहते हैं क्योंकि इसमें वक्त भी काफी लगता है। और इसलिए आज की तारीख में मुस्लिम समाज के लोगों को सबसे आसान और सरल तरीका खुला का लगता है और वही किया सानिया मिर्जा ने, और अब अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल देश की बाकी मुस्लिम महिलाएं भी कर रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।